सरकार ने ग्राम पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजना शुरू किया। उसके बावजूद भी ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग पा रहा है। भ्रष्टाचार का ये बड़ा मामला जौनपुर जनपद किराकत ब्लॉक ग्राम पंचायत थाना गद्दी के गाँव देवनाथपुर का है, जहाँ के प्रधान नीलम सिंह के पति विकास सिंह अपने ग्राम पंचायतों के सचिव और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा थाना गद्दी के कर्मचारियों सहित मिली भगत कर बिंदु देवी सहित 6 लाभार्थियों का 45,000 के दर से आए हुए इंदिरा आवास का कुल 2,70,000 रुपए नवंबर 2012 में हड़प कर लिए। क्या समस्या है इंदिरा आवास की आपको? आवास ले लेना, हमारे के आवास का पैसा ना देना, नहीं चाहे न बालू न कुछ गिरा ना, 6 जने रह ली, 6 जन से दस्तखत ले लेना। क्या कहे थे तब? जाल जला दिया, कहें कि वो तारीख की गिराई, 10 तारीख की गिराई, 15 तारीख की गिराई, अब ये निकासी वाला ना आल हुआ। कितने दिन पहले आपने दस्तखत किया था? अरे साल भर हो गया। क्या चाहती हैं आप? अब वह चाहत तो बाड़ी की हमारे के गरीब आदमी है, मिल जाए तो बढ़िया है। समस्या ही बा के आवास आयल प्रधान देवा ना कहीं ना दस्तखत कराए के ले हुआ, कहना कि गिरवाई बीटा या तलक एक को भी इटवे ना गिरल, घर द्वार कच्चा अथवा गिर गल बा चुबटे बा। फिर आप कैसे रहते हैं? का करल जा, वही गिरले मकान में है। ये आवास का पैसा आया प्रधान निकाल के हम लोग सबको ले लिया और आप नहीं दिया, और खैले खैले के मरता है, घर द्वार नहीं होने को बना, आवास का पैसा निकाल लिया। आवास का पैसा आया प्रधान निकाल करके अपने लेकर के बोला हम ईटा का पैसा देंगे और खड़ी मिट्टी जो कुछ होगा हम लेकर के, तुम लोग गरीब आदमी पैसा खा जाएगा, कुछ गिराएगा नहीं और काम भी नहीं होएगा, ये पैसा लेकर के हम माल मिट्टी हम गिरवाएंगे, वहीं आज तक न तो कोई माल गिरा। मैं चाहती हूँ कि इस इंदिरा आवास घोटाले की जांच कर सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग जिला पंचायत राज अधिकारी के मोबाइल 9412445017 पर कॉल करके दबाव बनाएं, ताकि इन गरीबों को न्याय मिल सके। मैं शबनम जौनपुर जिले के उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए।